हेलो दोस्तों, यार कैसे हो आप सबके सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम है सुधीर और अभी हैं आप मेरे चैनल द सुधीर जांगिड पर। दोस्तों, मैं आज आप सबके लिए एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। एक टेक्निकल वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास टच स्क्रीन लैपटॉप है और वो टच स्क्रीन उसकी खराब हो गई है या उसमें कोई दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से उसका टच ऑटोमेटिक काम कर रहा है, या फिर आपको टच स्क्रीन होने की वजह से आपको काम करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो किस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने लैपटॉप की टच स्क्रीन का टच ऑफ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे यूजर्स हैं जिनके पास लैपटॉप हैं तो काफ़ी अच्छे ऑफर में अगर आ रहा होता है या जिनको पसंद होता है वो क्या करते हैं, टच स्क्रीन लैपटॉप खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में टच स्क्रीन में जो है कि काफ़ी प्रॉब्लम आने लगती है जिसकी वजह से उन्हें काम करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो उसी का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और ये जानने के लिए मैं आपको ले चलूंगा सीधा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और बताऊंगा आपको कि किस तरह से मेरा टच जो है मिस गाइड हो रहा है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और उसको टच को बंद करने के लिए बहुत ही आसान स्टेप से जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और अभी तक अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं ले चलता हूँ आपको सीधा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहाँ मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि किस तरह से आप अपने टच स्क्रीन लैपटॉप के टच को बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पर और जैसा कि आप अभी डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, मैं लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ अपनी डिस्प्ले पर और ये अभी जो भी फिंगर से अपनी टच से जो है डिस्प्ले को इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैंने माई कंप्यूटर पर लॉन्ग प्रेस किया तो यहाँ पर ये माई कंप्यूटर ओपन हो गया और अभी से क्लोज करके ये देखिए, ये जो भी है मैं लॉन्ग प्रेस करके रख रहा हूँ डिस्प्ले पर, तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करने पर जो मेन्यू ओपन होता है वो अभी ओपन हो रहा है। तो ये जो भी मैं टच कर रहा हूँ अभी ये डिस्प्ले पर ये टच कर रहा हूँ, ये देखिए। तो ये कंटिन्यू टच करने के बाद दोस्तों इस तरह की प्रॉब्लम मेरे को अपनी स्क्रीन में नज़र आ रही थी, ये देखिए दोस्तों। इस तरह से आप जिसके पास टच स्क्रीन लैपटॉप है आपको भी शायद इस तरह की प्रॉब्लम नज़र आती होगी। एक्चुअली दोस्तों, हम कम लैपटॉप को अगर कभी मॉइस्चर वाले कपड़े से साफ़ करते हैं तो वेटनेस डिस्प्ले में रह जाती है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हमें आती है। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली हमें करना कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ बहुत आसानी स्टेप से। आपको यहाँ पर माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करना है और मैनेज पर क्लिक कर देना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह की डिस्प्ले आपको नज़र आएगी। यहाँ पर आपको डिवाइस मैनेजर सर्च करना है और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साइड में आपको राइट साइड में इस तरह के ये मेन्यू नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस ये आपको ढूंढना है और इसके एरो पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने जो ऑप्शन ओपन होंगे इसमें HID कंप्लेंट टच स्क्रीन आपको सर्च करना है दोस्तों, सिंपल। और इस पर इसको सेलेक्ट करके और आपको ऊपर यहाँ पर एक्शन का बटन नज़र आएगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको डिसेबल डिवाइस नज़र आएगा, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये पूछेगा कि आप इस डिवाइस को बंद करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यस पे क्लिक कर देना है दोस्तों। अभी जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो अभी देखिए ये टच जो है अपनी डिस्प्ले का वो बंद हो चुका है, स्क्रीन का टच जो है बिल्कुल बंद हो चुका है। अभी देखिए मैं टच कर रहा हूँ अपनी डिस्प्ले पर लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल जो है माउस से ही मैं अपने लैपटॉप को यूज़ कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।